1997 शिमला समझौते की पूर्व शर्त के अनुसार उसको भी वापस किया। 94,000 पाकिस्तान के सैनिक वापस गए यहां से, और जमीन जो जीती थी वो भी वापस गई। जो एक जीती हुई जमीन का बड़ा हिस्सा था तो वो तो बांग्लादेश बन गया, उसके वापस जाने का प्रश्न नहीं था। लेकिन भारत के सैनिकों ने छम्ब का पूरा इलाका जीत लिया था 71 के युद्ध में, वो छम्ब का पूरा इलाका पाकिस्तान को वापस किया। फिर पाकिस्तान ने वायदा किया कि हम कभी भविष्य में आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। 1947 में किया, फिर 1965 में किया, फिर 1971 में किया। और 1971 में जब कहा कि हम कभी भविष्य में हमला नहीं करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी दोनों देश आपस में बातचीत करके कोई भी मामले का फैसला करेंगे, फिर पाकिस्तान ने अपने ही कहे हुए को फिर तोड़ा। कब? 1987 में, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो अचानक से बेनजीर भुट्टो ने एक दिन पाकिस्तानी सैनिकों को आदेश दिया हमला करने का। राजीव गांधी को पहले पता चल गया कि हमला होने की संभावना है, क्योंकि गतिविधि बढ़ गई थी, तो उन्होंने भारतीय सेनाओं को भी आदेश दिया और भारतीय सैनिक 30,000 की संख्या में जम्मू कश्मीर इलाके में इकट्ठे हो गए। तो पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि हमारी योजना फेल हो गई, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भारतीय सेनाओं को पता न चले और हमला करे, वैसी उनकी कोशिश थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। राजीव गांधी ने जब पूरी संख्या में वहां सैनिकों को एकत्रित करा दिया और तैनात करा दिया तो पाकिस्तान ने हमला करते करते अपने आप को रोका। और फिर क्या हुआ? फिर राजीव गांधी बेनजीर भुट्टो में समझौता। फिर 1987 में पाकिस्तान ने कहा कि हम कभी भविष्य में हमला नहीं करेंगे। फिर वो 1997 का, वो 87 का किया हुआ प्रस्ताव पाकिस्तान ने अभी तोड़ा। और अभी क्या था कि हमला करने के पहले पाकिस्तान ने समझौता किया था लाहौर, और ऐसे ही 87 में हुआ था हमला करने के पहले समझौता, हमला होने के पहले समझौता। उसके पहले के समझौते जो थे वो हमले के बाद के थे। पिछले 15-20 साल में जो दो समझौते हुए वो हमले के पूर्व हुए। तो दोनों समझौते हुए और उसमें कहा कि हम तो कभी हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमला किया। लाहौर समझौते में तय करने के बाद भी हमला किया और 87 में राजीव गांधी के साथ हमला करते करते रुक गया। ये है पाकिस्तान का चरित्र। अभी इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में मैं समेटना चाहूं और आपके दिमाग में वो दर्ज रहे हमेशा, ये तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए इतनी लंबी कहानी सुनाई, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि पाकिस्तान क्या है? कुत्ते की टेढ़ी पूंछ। अगर कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को 20 साल भी पत्थर के नीचे आप दबा के रखिए तो भी वो सीधी नहीं होती। उसको चाहे जितना खींच खींच के सीधा करने की कोशिश करिए, वो हमेशा टेढ़ी ही होती। कभी भी आप उसको चाहे जितना तेल लगाकर सीधा करिए, चाहे किसी एपरेटस से सीधा करिए, चाहे जिस टेक्नोलॉजी से इंजेक्शन लगा के सीधा करिए, कभी सीधी नहीं होती। वही है पाकिस्तान। हाँ, अब ये आप सोचिए कि उसका क्या किया जाए कि जो सीधा ही नहीं होता, तो फिर उसके साथ कुछ और दूसरा तय करना पड़े तो उसके बारे में सोचना चाहिए हम सबको गंभीर। ये पूरी जो बात मैंने आपसे कही, इसमें से दो चीजें आप सब ध्यान समझें। हमारे देश के खिलाफ पाकिस्तान ये जो सब करता है वो कैसे करता? अभी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े संपादक हिंदुस्तान आए थे, उनका नाम था नजम शेख। उनका दिल्ली में एक बड़ा भाषण हुआ। उनके भाषण में उन्होंने जो कहा उसमें से एक दो बात बहुत मजेदार मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि उनके भाषण का पूरा टेप मेरे पास है। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, एक अखबार का सीनियर रिपोर्टर है, वो उनके भाषण का कवरेज करने के लिए गया था अखबार के रिपोर्ट बनाने के सिलसिले में, तो वो टेप रिकॉर्डर लेके गया, पूरा भाषण टेप करके लाया। उसने कहा तुम्हारे काम की चीज है, इसको जरूर सुनो। तो मैंने उसको सुना, कई बार सुना। तो नजम सेठी ने अपने भाषण में एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही जो हमको समझने की है। उसने कहा कि पाकिस्तान पिछले 50 साल के आजादी के बाद भी, हालांकि उन्होंने आजादी शब्द इस्तेमाल किया, अगर वो कहते कि भारत से अलग होने के बाद भी, अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व बना नहीं पाया।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने 50 साल के बाद भी किसी भी स्तर पर, न सैन्य स्तर पर, न आर्थिक स्तर पर, न सामरिक स्तर पर, न कूटनीतिक स्तर, कहीं पर भी पाकिस्तान अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना पाया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमेशा पाकिस्तान को किसी ना किसी बड़े देश की उंगली पकड़कर ही चलना पड़ता है, वो चाहे अमरीका की पकड़े या G7 की पकड़े, पाकिस्तान का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। एक दूसरी बात उन्होंने कही नजम सेठी ने कि हम पाकिस्तानी लोगों को यही नहीं मालूम कि हमारा भविष्य क्या होने वाला, हमको यही नहीं मालूम कि हमारा भविष्य क्या होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि हम पाकिस्तानी लोगों की अपनी जो आबरू, इज्जत, महजब, ये जो सब महजबी बातें ये जो सब हम करते रहते हैं, ये सब हमारे लिए ढकोसला जैसी बन गई, ना तो हमारी कोई पाकिस्तानियत रह गई है, ना कोई हमारे धर्म की ऐसी विशेषता रह गई है, उसमें आडंबर और ये सब बहुत हो गया, ऐसी बात उन्होंने कही। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने और कही अपने भाषण में, मैं सिर्फ इन्फरेंस आपको दे रहा हूं, कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल करीब करीब कॉलेप्स हो चुकी है, खलास हो चुकी है। कैसे? वो उन्होंने बताया अपने भाषण में कि पाकिस्तान की सरकार का जो बजट होता है उसका 95% विदेशी कर्जे से आता है। माने पाकिस्तान की सरकार अपने बजट में अगर 100 रुपए खर्च करे तो 95 रुपए वो कहीं से भीख मांग के लाती है। 5 रुपए सरकार का अपना खीसे का होता, माने उनकी अपनी कमाई का होता, तो बजट का 95% उनका विदेश से आता है, ना आए तो बजट नहीं बनता, ऐसी हालत हो गई। अर्थव्यवस्था कितनी बुरी हालत में है पाकिस्तान की, उसका उन्होंने एक दूसरा सबूत दिया कि इस समय पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, उनमें 70% बंद पड़े हुए। एक और बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, तो कॉटन का कपड़ा बनाने वाली जो मिलें हैं वहां पर, बड़ी मिलें हैं या लूम्स हैं, वहां के जो पावर लूम्स हैं, उनमें 65-70% बंद पड़े, वो एक्सपोर्ट भी उनका गिरता जा रहा। आंतरिक हालत लगातार खराब होती जा रही है, ना कोई लॉ है ना कोई ऑर्डर है, कहीं भी हत्याएं होती हैं, कहीं भी मर्डर होता है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। चुनाव किस तरह से होते हैं वो भी उन्होंने कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। इसमें से 2 बातें हमारे काम की हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। एक बात तो हमारे काम की ये है कि अगर पाकिस्तान के आर्थिक बजट में 95% विदेशी कर्जे से आता है तो फिर पाकिस्तान ये बार बार हमला करने की हिम्मत कैसे करता है, ये हमको समझना चाहिए कि आखिरकार कोई तो है जो पाकिस्तान को ये हमला करने के लिए पैसा देता है, हथियार देता है, सुविधाएं जुटाता है, सब काम करता है। क्योंकि जिस सरकार का 95% हिस्सा विदेशी कर्जे पर चलता हो, वो सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च करके युद्ध झेल लेगी, बड़ी मुश्किल बात है। हमारी सरकार को 1500 करोड़ लग गया इस युद्ध में, जबकि हमने हमला नहीं किया, हम डिफेंसिव थे,